न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो हम आए हैं बलरामपुर के ताता पानी में। ये ताता पानी है और यहाँ से आपको दिखाते हैं थोड़ा शिव भगवान की तरह तरह की फोटोएं हैं। ये देखिए, आराम से दिखाते हैं हम आपको इतने सारे फोटो हैं। बहुत ही प्रकार से बने हुए हैं ये। देख सकते हैं, ऐसा मैं कभी पहले देखा नहीं था। फोटो बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। देख सकते हैं, अर्ध नारीश्वर भी बोलते हैं, नारीश्वर। ये है साधक सिंह, नीलकंठ, इनको नीलकंठ बोला जाता है। और ये हैं शिव तांडव, जो तांडव कर रहे हैं, जो नाच रहे हैं। और ये है आपका तपस्वी शंकर। अरे तो आप जानते हैं हमारे अघोरेश्वर शिव। अब और भी आगे दिखाया जाता है। अब ये हैं साधक शिव, साधना करते हुए। और ये हैं शिव तांडव, गंगाधर शिव। गंगाधर शिव क्यों नाम पड़ा है तो मुझे नहीं पता, मगर अच्छा नाम है। और यहाँ पे देख सकते हैं महाकाल भक्त है जो महाकाल का। और ये है सहस्त्रबाहु शिव। और यहाँ पंडित जी हैं। और इधर भी लगा हुआ है, यहाँ से शायद मैं आपको दिखाया था, यहाँ से मैं स्टार्टिंग किया था, यहाँ से मैं स्टार्टिंग किया था। अच्छा, पूरा एक बाउंड्रीज लेयर में है, पूरा घूम के। आइए आपको दिखाता हूँ अब शिव की बहुत ही बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पे बनाया गया है। अभी दिखाता हूँ आपको, बस थोड़ा सा आगे दूर चलते हैं। और यहाँ पे इससे ज़्यादा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी का सैलाब निकलता है, इस नाम से इसका कारण ताता पानी ही पड़ा। गर्म पानी का कुंड भी आपको दिखाता हूँ, वो बाहर में है। ये देख सकते हैं शिव की मूर्ति है, देख सकते हैं कितनी बड़ी है। सकते हैं, चलिए आपको अब गर्म पानी की ओर ले चलता हूँ। छूने से गर्म लगेगा, क्या ठंडी में आए रहते हैं तो जो भाप है, धुआं है, वो निकलते हुए दिखाई देता। काफी बड़े ही एरिया में है वैसे तो ये कुछ कुंड बनाया गया है। अब पता नहीं किसमें शायद मछली उछली डाले होंगे। उधर भी कुंड है, कुंड इसलिए बना दिया क्योंकि यहाँ के जो भी आते थे घूमने फिरने के लिए, वो कभी अंडा डाल दें, कभी चावल डाल दें, पक पाता है कि नहीं पक पाता है देखने के लिए। तो उस टाइप से यहाँ कुंड बना दिया गया है, छोटा छोटा। ये देख सकते हैं, ये भी एक कुंड है। और भी दिखाता हूँ आपको छोटा छोटा। यहाँ से बाहर चलते हैं, छोटा सा इंस्टॉल ठेला है। ये है श्री राम कुंड, गर्म जल स्रोत। दिखाता हूँ, ये श्री राम कुंड, गर्म जल स्रोत, ताता पानी कुछ इस टाइप से है।
इस पर सिक्का उक्का डाला गया है और इसका नाम है माता सीता कुंड। ये इसी में से गर्म पानी निकल रहा है, ठीक ठाक ही निकल रहे हैं। और एक ठे बड़ा कुंड है, उधर साइड ले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। भाई कल का ये बाहर से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, एक ये बनाया गया है, ये गर्म पानी का है। अब छू के देखते हैं कितना गर्म है। गर्म ही यार, अंडा उंडा पूरा सब चीज़ उबल जाएगा, चावल ही बन जाएगा, इतना गर्म है। हाँ, जल गया टाइप से लग रहा है। अच्छा, ठंडा के दिनों में मस्त आके नहाओ इस पर, ठंड में गर्म का एहसास मज़ा आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है ये बाहर से। उधर शिव की प्रतिमाएं देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ताता पानी महोत्सव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है।